हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। तो आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मैसेज जा चुका है। तो कब उनको स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज एक न्यूज़ भी आया था कि आपको जो है टैबलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरीके का मैसेज भी देखने के लिए मिला है न्यूज़पेपर्स में, तो उसका भी क्लेरिफिकेशन थोड़ा जानेंगे डिटेल में। तो आप अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के प्रथम चरण के वितरण के कार्यक्रम में आपको चयनित किया जाता है। इस तरीके का मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा आपके इनबॉक्स में। अपना इनबॉक्स जो है, जिस नंबर को आपने दिया है फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए, वही नंबर पे आपका मैसेज आएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस तरीके का पहला मैसेज आपके फ़ोन पे जाएगा। बहुत लोगों को मैसेज आ भी चुका होगा, तो उनको कब वितरित होगा, कैसे इनको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो याद रखिएगा। ये जब आपका मैसेज आएगा तो उसके बाद आपका ये वाला भी एक मैसेज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा है डियर स्टूडेंट, स्मार्टफोन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर कॉलेज ऑन 12/1/2022। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/1/2022 को जो है ये वितरित होने वाला है स्मार्टफोन इस व्यक्ति को, तो इनका वो मैसेज ऐसा आ चुका है। और 10 बजे सुबह जो है ये वितरित होगा। और जब भी कॉलेज में जाना है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड के साथ जाना है, क्योंकि भाई आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएंगे तभी जो है लोग जानेंगे कि कौन व्यक्ति है, किसको वितरित करा जा रहा है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो जब आपको इस तरीके का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा तो ही पता चलेगा कि आपको स्मार्टफोन जो है मिलने वाला है। ओके, तो ये कन्फर्मेशन जो है आपका मैसेज है। तो आप लगातार अपना इनबॉक्स ट्रैक करते रहिएगा और मेल भी ट्रैक करते रहिएगा, मतलब मेल भी अपना चेक करते रहिएगा। अब एक जो है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण नहीं, यानी अमरोहा ज़िले की बात है। ये आप गूगल भी कर सकते हैं इस न्यूज़पेपर का, मतलब कटिंग यहाँ पर मैंने लगाया है, आप गूगल कर सकते हैं, क्रोम में भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके का न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं बांटे जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो हो सकता है कि आपका जो है स्मार्टफोन टैबलेट जो है अब जो वितरित होगा वो चुनाव के बाद भी हो सकता है। पर जो है ये तो एक आज पेपर की कटिंग है। अब इसका कन्फर्मेशन जो है आपको, क्योंकि 12 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला होना है, तो पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। जितने भी उपकरण आए थे उनका जो है वितरण किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी उपकरणों का ऑर्डर किया गया था उनको जो है वितरित करा जा चुका है। पर अभी जो है और जो वितरित किया जाना था उसको अब जो है वितरित नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है। अब जो है इसका कन्फर्मेशन जो है 12 तारीख को ही क्लियर हो सकता है, क्योंकि 12 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगर उस दिन जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कॉलेज में, तो जो है आपको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अभी आप लोग जो ज़्यादा घबराएं नहीं और अपनी जो है होप को मत लूज़ करें, आपको भी ज़रूर मिलेगा। पर हो सकता है कि अभी थोड़ा ना मिले, माइट बी, क्योंकि अभी जो है कोरोना का केसेस बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। तो हो सकता है कि कभी डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, पर जहाँ तक उम्मीद है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए चुनाव के पहले। ठीक है, तो ये अपडेट है, और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। और आप लोग ज़रूर से चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।